हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो माय सेल्फ प्रियांशी शर्मा, इन केस अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो ये वीडियो में बहुत टाइम बात कर रही हूँ. आई मीन टाइटल देख के आपको पता चल ही गया है. सो मेरा बर्थडे था 3rd of March को, एंड ऑन दैट डे आई वाज नॉट एबल टू यू नो शो अप एवरीथिंग टू माय ऑडियंस. सो मैंने सोचा कि मैं थोड़े दिनों बाद वीडियो बना लूँगी. सो इस वीडियो बनाने के लिए, और आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू सी माई गिफ्ट्स जो जो मुझे बर्थडे पे मिले. बेसिकली भाई साहब, मेरे और शो ऑफ नहीं कर रही, बस जो मुझे मिले तो मैंने वो दिखा दिया, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है नहीं किया, और गिफ्ट्स में आपको क्या क्या मिला, क्योंकि मेरा ये 25th बर्थडे था. तो ये क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली हो चुकी है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूंगी मैं कि क्या क्या मुझे मिला, क्या क्या दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम उस तरफ चलेंगे जो मैंने बर्थडे पे पहना. सबसे पहली चीज़, तो ये इनसेंस से मैंने टॉप लिया था, कपड़े लिए थे पूरे जो मैंने अपने बर्थडे पे पहना था. फोटो में लगा दूंगी साइड में कि मैंने क्या पहना था, आपको एक आइडिया लग जाएगा. सो दिस वॉज माई टॉप विच आई वॉर ऑन माई बर्थडे. तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको साइड में दिख रहा है. तो ये अगर आपका ना टमी भी है थोड़ा बहुत, तो दिस ब्लैक एरिया विल हाइड योर टमी, क्योंकि वो इस तरीके से इन्होंने बनाया है कि आपका टमी वाला रीजन नहीं दिखेगा. और स्लीव्स इसकी इतनी सुंदर थी ना, स्लीव्स पे तो मेरा दिल पहले ही बार में आ गया था. स्लीव्स यहाँ पे ना, इसके शोल्डर पैड भी है, तो जिससे स्लीव्स में थोड़ी जान आ गई है. और कलर मुझे इतना सुंदर लगा था, इतना सुंदर लगा था, बस पूछो मत. और इसके बटन जो है वो भी आपको दिख रहे हैं, बटन बहुत स्पेशल है, लाइक दिस ओपन लाइक दिस. तो इसको बंद करूँगी ना ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है. और कॉलर भी अच्छा है, और फैब्रिक बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, यू कैन वियर इट इन विंटर्स एंड इन समर ऑल्सो. अब मम्मी पापा नहीं, मान लो दोनों ने गिफ्ट किया था मुझे ये, ठीक है. तो ये मैंने एक टॉप लिया था, इंसेंस से लिया था. कौन से वाले से यार, वो कमला नगर मार्केट वाला इंसेंस था ना, उससे लिया था. नेक्स्ट मैंने जीन्स ली थी इसके नीचे पहनने के लिए, उल्टी हो गई जीन्स थी, फिटेड जीन्स थी, वैसे नहीं थी वो जो फैली फैली होती है, कौन सी बॉटम हील्स और बॉटम जीन्स और क्या कौन सी होती है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, सॉरी. तो ये वाली वो जीन्स थी जो मैंने इस टॉप के नीचे पहनी थी. तो ये दोनों गिफ्ट, ये दोनों कपड़े मेरे को मम्मी पापा ने दिए थे, मेरे बर्थडे से पहले ही दे दिए थे. और नेक्स्ट अप, मेरे भाई ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे कि तुझे जो शॉपिंग करनी है कर सकती है तू, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बैग्स 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 कर रही थी. और अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं ना, तो यू नो वेरी वेल दैट मैं मुझे कितना शौक है बैग्स का कलेक्शन का, और वॉच कलेक्शन का, हील्स का. हील्स से ज़्यादा मुझे बैग्स का है, बैग से ज़्यादा मुझे वॉच का है. तो मल्टीपल मेरे शौक्स हैं. तो अभी मैं दिखाती हूँ, मेरे भाई ने मुझे बर्थडे पे, मतलब मैंने उसके पैसों से कौन कौन से गिफ्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ. ये बैग दिस वन, और दो और हैं, सॉरी एक मैं लाना भूल गई, तो मैं दिखा देती हूँ. मैंने कौन सा बैग है, दिस इज अगेन फ्रॉम एलपी, लीनो पेरोस का है. और मुझे इसकी जो ये वाइट चेन है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, मैंने ये तुरंत खरीद लिया था फिर, ठीक है. तो ये इस तरीके से आता है, एंड इट्स लाइक दिस. ऐसे इसके तीन कंपार्टमेंट्स हैं, और स्लिंग भी कर सकते हो आप इसको, शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है. एंड यू कैन कैरी इट लाइक दिस ऑल्सो. तो ये इसके ऐसे खुलता है, हाँ अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, लाइक यू गाइस कैन सी द टैग ऑल्सो, टैग भी हैवी, यूज़ करने का वही नहीं है यहाँ पे, इसका ये चिपकन चिपकन क्या होती है. तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है. तो ये अच्छा बैग है, काफ़ी सुंदर बैग है. तो ये मुझे गिफ्ट में मेरे भाई ने दिया है, निखिल ने ये भी दिया है. और बैग्स में दिखा देती हूँ, उससे तो मैंने काफ़ी सारे पैसे लिए थे. तो ये मैंने लिया, और एक मैंने ये शोल्डर बैग सॉर्ट ऑफ जो चल रहे हैं ना आजकल, ये भी लीनो से है, क्योंकि मुझे लीनो के बैग ज़्यादा सही लगते हैं, अफोर्डेबल भी है और अच्छे भी हैं, ब्रांडेड भी है और वैसे भी सही है. तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है. इसका मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई थी, ये डिटेलिंग जो थी ये वाली, और ये भी मैंने यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हो. पता नहीं कब तो यूज़ करूँगी, मम्मी बोलती इतने सारे बैग ले दो रही है, लेकिन यूज़ कहाँ करेगी. इसमें स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है, और वैसे भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो उसकी बेल्ट से, ठीक है. तो ये इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा मल्टीपल कलर्स में आई कैन वेयर दिस ना, तो इसलिए मैंने ये ले लिया. ये भी अगेन इट्स फ्रॉम लीनो पेरोस. थर्ड जो मैंने लिया बैग, अगेन वो वाइट कलर में है, वाइट का मुझे इस बार कुछ ज़्यादा ही मन किया. ये
ये भी लिनो पेरिस का है, यू गाइस कैन सी, तो ये भी लिनो का है और ये इस तरीके से खुलता है। इसका जो ओपनिंग वाला सिस्टम है ना वो मुझे बहुत सही लगा था, ठीक है, इस तरीके से खुलता है और स्पेशियस बहुत है। अगेन इसकी चेन इतनी ज़्यादा मजबूत है ना, मतलब बैग की औकात पता चल जाती है जब चेन वेन मजबूत होती है, वो ऐसे तो मैं इसको ना कैरी कर सकती हूँ कैसे भी, शॉर्ट चेन से बड़ी चेन से, तो आई कैन कैरी इट। इसके अंदर ही अखबार वखबार रहते हैं ना जिससे कि स्पेस सही रहे, तो वो है इसमें। और ये इतना सुंदर है, मैं इसको पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकती हूँ और वैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। क्यों बंद क्यों नहीं हो रहा, हो गया, मैं इसको पार्टी में भी यूज़ कर सकती हूँ और वैसे भी यूज़ कर सकती हूँ, वेस्टर्न पे और इंडियन पे। तो ये इस तरीके से दिखता है, बहुत क्लासी सा है, सुंदर सा बैग है। आप बताओ आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉस्टली ये पड़ा, इससे कम, ये थोड़ा सस्ता था, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली ये वाला था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बट मैं सोच रही हूँ मैं वाइट वाइट, कोई बात नहीं, गिल्ट नहीं फील करते। अब आप बताना ये कैसा लगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अप मैंने कौन सा लिया, नेक्स्ट वाला एक और है, एक पार्टी वियर है, वो वैसे मैंने ना मम्मी के लिए और अपने लिए दोनों के लिए खरीद लिया था, सारे मैंने LPC लिया, लिनो पेरिस से लिया। नेक्स्ट वन इज दिस चिंकी चिंकी गोल्डन बैग, और इसकी भी चेन ऐसी है, डबल चेन है, और देखो इसका इनर स्पेस कुछ इस तरीके से, अंदर एक चेन है, सीक्रेट पॉकेट भी है, अगेन इट्स फ्रॉम लिनो पेरिस, आई होप यू गाइज कैन सी। इसको आप डबल में भी ले सकते हो, डबल में भी आप इसको ले सकते हो, और आप इसको सिंगल में भी यूज कर सकते हो, लाइक ऐसे, ठीक है, सिंगल में भी यूज़ कर सकते हो और डबल में भी। आई प्रेफर टू यूज़ इन डबल। मम्मी ने अभी ये कुछ टाइम पहले लिया भी था, नानी के घर जब हम गए थे तो उस ब्लॉग में आपने देखा होगा मम्मी ने कैरी किया हुआ था ये अपने सूट पे। अगर आप कुछ बहुत ही सिंपल सा पहन रहे हो ना एंड यू गाइज हैव कैरिड दिस, तो वो इन्हेंस कर देगा आपके जो आपने पहना हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आया, सो आई बॉट इट, बेसिकली गिफ्टेड। नेक्स्ट सबसे लास्ट दिखा देती हूँ, वैसे एक और है लेकिन वो वॉलेट है, वो बैग ऊपर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है, अभी जो मैंने बर्थडे पे भी यूज़ किया था, ये ब्लैक वन, दिस इज़ अगेन फ्रॉम लिनो, ठीक है। तो ये वाला ब्लैक यूज़ किया था, बट इसका एक इंसिडेंट बता देती हूँ मैं, क्या हुआ इसके साथ। इसका स्पेस ऐसा है, देखो हम लोग ना कैफ़े गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, टिश्यू पेपर वहाँ से पड़े हुए थे तो वो मैंने रख लिए, और इसका जो ये कुछ होता है अंदर का ना, वो अभी तक पड़ा हुआ है, फेंक दिया मैंने अभी फ़िलहाल। अंदर एक सीक्रेट ऐसे जिपर सा है, और स्पेस, ये स्पेस थोड़ा सा कम है क्योंकि ये कैरी ऐसे जस्ट ऐसे वाला होता है, क्या बोलते हैं इनको, वॉलेट बोलते हैं, नहीं शॉर्ट स्लिंग, वट एवर जो भी है। इसके ना एक कहानी बता देती हूँ, इसकी जो स्लिंग थी ना वो हमारे मेट्रो में टूट गई थी, तो मैंने पिन लगाई थी, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कैरी किया हुआ था एंड इट वॉज लुकिंग अमेजिंग। उस वाली मेरे ड्रेस पे जो मैंने बर्थडे पे पहनी थी ना, बहुत सही लग रहा था, बहुत सही लग रहा था। तो ये वाला लास्ट वन है, एक वॉलेट और है वो ऊपर है, मैं सोच रही हूँ वो भी दिखा दूँ फिर। तो ये है, ठीक है, आप बताना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा। गाइस द लास्ट वन, ये वाला वॉलेट मैंने लिया था, ये भी लिनो से ही है, और ये मैं ना ड्यूटी पे लेके जाती हूँ, मतलब हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, बड़े वाले टॉट बैग के अंदर एक छोटे वाला बैग, इस पे मेट्रो कार्ड कुछ कुछ रख देती हूँ, बेसिकली मेट्रो कार्ड में आउटर जिपर में रखती हूँ बैग के। तो ये ना सब्जी लग गई इस पे, देखो, तो ये बहुत सुंदर सा कलर है, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, ऐसे बीज न्यूड कलर मुझे बहुत पसंद है। और ये इस तरीके से खुलता है एंड इट हैज़ इतना सारा स्पेस, कुछ खुले खुले पैसे दिख रहे हैं, एक 100 का नोट दिख गया मुझे, एक 10 का नोट है, बाकी स्पेशियस है काफ़ी सारा, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मैंने ना इसमें अपना फ़ोन रखा एक दिन और कुछ पैसे रखे, तो काफ़ी स्पेशियस है, और एक अंदर एक जिपर भी है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप वो वहाँ पे रख सकते हो। तो ये भी मैंने लिया, तो बेसिकली ये बैग, ये बैग, ये बैग, ये बैग, और वो गोल्डन चंकी और ब्लैक वन, ये सारे मेरे भाई ने दिए मुझे गिफ्ट में, मैंने गिफ्ट मतलब खुद पसंद के किए, उसने पैसे दे दिए थे, तो ये सब मेरे भाई ने दिए। उसने कहा कि तेरा 25th है, वैसे तो मेरा भाई मुझसे छोटा है, बट इतना ही छोटा नहीं है, 1.5 साल छोटा है, तो हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते भी हैं, लेते भी हैं, लाइक उसका बर्थडे होता तो मैं भी देती हूँ, और जब मेरा था तो उसने भी दिया,
तो दीज ऑल बैग आर गिफ्टेड बाय माय ब्रदर, तो थैंक यू भाई। गाइस आप बताना आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा बैग लगा, ठीक है, सो दैट मुझे पता चल जाए कि मेरी पसंद और आप लोगों की पसंद सेम सेम है या नहीं है। और लास्ट गिफ्ट जो बचा है उसकी तरफ चलते हैं। एज आई सेड कि मैं 25 की हो गई हूँ और क्या लड़कियाँ अपनी एज नहीं बताती, मैं बेवकूफ हूँ, मैं अपनी एज बता रही हूँ, बिल्कुल बुद्धि नहीं है मुझमें। तो 25 की हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कपड़े तो ऑब्वियसली वो देते ही, वो तो हर साल देती हैं, उसके साथ वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देते आए। जैसे जब मैं 23 की हुई थी उन्होंने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, ये वाली नहीं दूसरी वाली है वो रखी है स्टोन वाली है, और जब मैं 24 की हुई थी तो उन्होंने मुझे वो बुल्गारी वाली वॉच दी थी, फर्स्ट कॉपी ऑब्वियसली, कांट बाय ओरिजिनल वन राइट नाउ, ठीक है। और अभी मैं 25 की हो गई तो उन्होंने ना मुझे ये गोल्ड की चेन दी है, तो ये खाली पड़ी है क्योंकि मैंने पहनी हुई है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ दिनों से अगर आप मुझे देखते हो तो, कि ये मैं चेन पहन रही थी, तो दिस इज द चेन जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। और मुझे ना इससे भी पतली कोई चेन चाहिए थी, बट इससे पतली कोई चेन थी नहीं, तो ये वाली चेन उन्होंने गिफ्ट मुझे की है। आप देख सकते हो मेरे गले में थोड़ी कमी चमक रही है क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है, बाकी मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरीके की मेरी चेन है, ठीक है, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है अभी मेरे बर्थडे पे, और ये हमने ना कृष्णा नगर से खरीदी थी। ऑब्वियसली मैं गई थी साथ में क्योंकि मुझे मेरे, मैं चेन से बहुत पॉजेसिव हूँ ऐसी चीज़ों से जो मुझे डेली यूज़ में पहननी है, ठीक है। तो ये हमने शिवगिरी ज्वेलर्स से ली थी, कृष्णा नगर में इसका स्टोर है, अच्छा गोल्ड है काफ़ी, आप लोग जा सकते हैं और प्राइस भी अच्छे हैं, ठीक है, डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। तो ये फिर जिस दिन हमने ली थी ना सेम डे मेरे बर्थडे पे तो नहीं ली थी ऑब्वियसली, हमने एक दो दिन बाद ली थी, तो उस दिन हमने शॉप से ही मैंने ये पहन ली थी और डब्बा हम खाली ले आए थे, बट स्टिल आई शॉर्ट इट टू यू। तो ये वाली चेन है, आप बताना आपको क्या, अब आप बताना आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या लगा। बाकी यही सब था, थोड़े बहुत पैसे वैसे थे, पैसे मुझे तो नहीं दिए, हाँ मम्मी ने दिए थे मुझे पैसे भी, वो पेटीएम में पड़े हैं। तो आप लोग बताना आपको क्या सबसे अच्छा लगा, कपड़े अच्छे लगे, चेन अच्छी लगी या बैग्स अच्छे लगे, सब चीज़ें अच्छी हैं, इमोशन सबके पीछे हैं। और प्रिंस ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो उसने कहा कि भैया ने आपको इतने सारे बैग दिलाए हैं उसमें से एक छोटे वाला बैग मेरे वाला समझ लेना, मतलब ये वाला बैग मैं उसकी तरफ से समझ लूँ, उसने मुझे ऐसे बोला। तो आई होप यू रियली इन्जॉयड दिस वीडियो और कमेंट करना अपना बेस्ट गिफ्ट, मेरा बेस्ट गिफ्ट जो आपको लगा, ठीक है। और बर्थडे की रही बात तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने बर्थडे क्यों इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया था, बिकॉज कुछ बहुत बेकार सीन हो गया था इस वजह से नहीं कर पाए थे हम लोग सेलिब्रेट, बट हमारा प्लान था सेलिब्रेट करने का, बट जो चीज़ हुई वो इतनी गंदी हुई कि फिर सेलिब्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो मैं वो आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। Stay tuned for the next upcoming video and bye bye, take care.